जो भी आपका आइकॉन है जिसको मानते हो, आप उनसे पूछो ना कितने साल की मेहनत की है तब जाके उनकी बॉडी बनी है। जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से हम लोग अक्सर वीडियोस भी देखते हैं, जिम ट्रेनर का खुद भी कहना है कि सप्लीमेंट्स को नो कहें और जो मेहनत है जिम में, जो वर्कआउट है उसको प्रॉपर करें। लिहाजा जो और भी नेचुरल सोर्सेज हैं, यानी जो डाइट आप लेते हैं आम दिनों में उसको खाएं, और सप्लीमेंट्स पर ज्यादा ध्यान ना दें, सप्लीमेंट्स शरीर के लिए काफी नुकसानदेह है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18। आगरा से खबर है, आगरा में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और पुलिस से बचने के लिए खुद अलीगढ़ जा पहुंचा, लेकिन दो दिन के बाद पति अलीगढ़ से वापस आया और खुद ही थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। पूरा मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला हवेली का है। नगला हवेली के रहने वाले यशपाल ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। महिला ने सूचना दी कि उसकी पुत्री की हत्या उसके दामाद के द्वारा कर दी गई है और शव को किराए के मकान जिसमें वो रहते थे उसमें बंद करके दामाद फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना न्यू आगरा पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, ताला तोड़ के शव को बरामद किया गया और शव को आवश्यक कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। अभियुक्त जो कि इस मृतका का पति है, शिषपाल नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर परिजनों के द्वारा शक प्रकट किया गया है, उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात बड़ी खबर की। बुलंदशहर में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है। आज भी कुख्यात अपराधी अजमत के घर पर कुर्की की कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी बुलंदशहर के आदेश पर थाना नरसेना क्षेत्र में अमजद की 19,20,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। कोर्ट के आदेश को लाउडस्पीकर के जरिए पहले लोगों को जानकारी दी गई। कार्रवाई के दौरान सीओ शिकारपुर, तहसीलदार, थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे और मुनादी कर लोगों को वहां पर जानकारी दी गई और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई।